राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC प्रकरण में एक नया मोड़ आज तब आया जब भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति HL दत्तू ने 6 सदस्यीय आयोग में से 2 प्रमुख व्यक्तियों के चयन के लिए 3 सदस्यीय पैनल का तब तक हिस्सा बनने से इनकार कर दिया जब तक संवैधानिक पीठ इसे चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश नहीं दे देती। न्यायमूर्ति JS खेर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ को अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बताया कि न्यायमूर्ति दत्तू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है कि जब तक शीर्ष अदालत इस मामले में कोई निर्णय नहीं सुनाती तब तक वह पैनल की बैठक में शामिल नहीं होंगे। उच्चतम न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की अपील पर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए भवानी सिंह को विशेष सरकारी वकील नियुक्त करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को गलत करार दिया है। हालांकि अदालत ने इस मामले में नए सिरे से सुनवाई की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने द्रमुक नेता KN वजागन और कर्नाटक को भी अनुमति दी है कि वे मंगलवार तक उच्च न्यायालय के समक्ष अपने लिखित हलफनामा दाखिल कर सकते हैं। अदालत ने कहा है कि उच्च न्यायालय इस मामले में KN वजागन और राज्य के निवेदकों पर गौर करने के बाद फैसला सुना सकता है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT से अपने उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की है जिसमें उसने दिल्ली और NCR में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए थे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने NGT से वायु प्रदूषण से निपटने के उपाय सुझाने के लिए 6 माह का समय मांगा है। वहीं मंत्रालय ने अपनी याचिका में दलील दी है कि ज्यादातर देश वाहन के फिटनेस टेस्ट और प्रदूषण जांच जैसे मापदंड का पालन करते हैं न कि वाहन की आयु का। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेट्रोलियम मंत्रालय से दस्तावेज लीक मामले में गिरफ्तार पत्रकार शांतनु सैकिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने इस मामले में 13 गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। माल ढुलाई से प्राप्त आमदनी का यात्री कारोबार में सहायता के लिए उपयोग किए जाने का जिक्र करते हुए सरकार ने सोमवार को कहा कि रेलवे का इरादा संसाधन जुटाकर अगले 5 वर्षों में 8.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का है। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा, रेलवे माल ढुलाई से थोड़ा अधिक शुल्क लेती है और यात्री भाड़े में थोड़ा कम शुल्क लेती है। उन्होंने कहा कि माल ढुलाई से प्राप्त आमदनी का उपयोग यात्री कारोबार में सहायता देने के लिए उपयोग में लिया जाता है और इस प्रकार से जनता को किफायती यात्री सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। जम्मू कश्मीर के रियासी में प्रादेशिक सेना में भर्ती के दौरान हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी जिसके बाद भर्ती के लिए आए उम्मीदवारों ने पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की। इस रैली में सिर्फ सफल उम्मीदवारों को ही शामिल होने के लिए कहा गया था। जिन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी खारिज कर दी गई उन्होंने मौके पर हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं डोडा में भर्ती रैली के दौरान एक युवक की मौत हो जाने का मामला भी सामने आया है। घटना उस समय हुई जब एक युवक शारीरिक परीक्षा के दौरान दौड़ते हुए अचेत हो गया। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पिछले साल UAE और भारत में इंडियन प्रीमियर लीग के 7वें टूर्नामेंट के दौरान BCCI और IPL के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सुनील गावस्कर ने वेतन के तौर पर 1.90 करोड़ रुपए की मांग की है। गावस्कर को उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर IPL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और उच्चतम न्यायालय ने BCCI को उन्हें उपयुक्त भुगतान करने का निर्देश दिया था। हफ्ते की शुरुआत बाजार में निराशाजनक रही है और सेंसेक्स 261 अंकों की गिरावट के साथ 27,177 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 91.5 अंक गिरकर 8,214 के स्तर पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जोरदार बिकवाली हावी रही। दिन भर के कारोबार के दौरान रियल्टी और ऑयल एंड गैस, फार्मा, FMCG और बैंकिंग शेयरों में गिरावट का रुख देखा गया।